हमें अक्सर गालियां देने पर डांट लगाई जाती है पर आजकल ये बोलचाल का हिस्सा बन गई हैं। अगर मैं बिना किसी गलत नियत के गलत शब्द बोल भी दूं, तो इसमें क्या बड़ी बात है सही देखिए, ऐसा हुआ एक अच्छी कैथलिक लड़की शादी करके ससुराल गई तीन दिनों के बाद उसने अपनी माँ को फोन किया और बोली माँ मैं इस लड़के के साथ नहीं रह सकती वो हमेशा चार अक्षर के शब्द बोलता रहता है तब मां ने पूछा वो कौन से चार अक्षर वाले शब्द बोल रहा है उसने कहा वो कहता रहता है कुक क्लीन वॉश आयन तो शब्दों का इस्तेमाल करने में क्या गलत है मूल रूप से जैसे आप गाली कह रहे हैं वो काफी हद तक हमारे पास हमारी खुद की भी गालियां हैं जो हमारी भाषाओं में काफी सामान्य हैं और कुछ अश्लील हैं कुछ किसी खास इरादे का इशारा करती हैं कुछ हमारे परिवारों के बारे में बात करती हैं और कुछ बस एक दूसरे का मजाक उड़ाती हुई हैं पर ज्यादातर अंग्रेजी भाषा की जिन गालियों का आप आज प्रयोग करते हैं वो मूल रूप से अमेरिकी हैं वो या तो टॉयलेट या बेडरूम के बारे में है मुझे आपको यह बताना चाहिए यह कई साल पुरानी बात है कोई एक ऑस्ट्रेलिया से एक मेहमान आए थे मैं करीब 40 साल पहले की बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया से एक मेहमान आए और मुझे उन्हें मैसूर दिखाना था आपको पता है मैसूर एक पर्यटन स्थल है आप बेंगलोर से हैं हुँ? वो एक पर्यटन स्थल है देखने के लिए कई जगह है इसीलिए मैं उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया जब मैं तेज चलाऊं, तो मुझे सुनाई देता शिट मैंने सोचा क्या है अगर मैं ब्रेक लगाऊं तो शिट उन्हें कुछ सुंदर दिखता शिट अगर खाना बहुत मसालेदार हो ओ शिट मैं सोच रहा था ये आदमी पूरे दिन शिट का मंत्र की तरह जाप क्यों कर रहा है मुझे लगा शायद कब्ज हो उसे दूर करना चाहता हो क्योंकि जो सुबह का काम है आप उसे लगातार पूरे दिन क्यों कर रहे हैं फिर मैंने देखा जब वो गुस्सा होते हैं शिट और तब वो थोड़े शांत हो गए ओ फिर मैंने सोचा हो ये उनके लिए काम कर रहा है तो मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं किसी भी ऐसी चीज को डिस्टर्ब करने में विश्वास नहीं रखता जो किसी के लिए कारगर हो अगर ये काम कर रहा है तो इसे छोड़ दिया जाए तो मैंने उस बारे में ध्यान से सोचा देखिये हमने ध्वनियों के उच्चारण के पूरे विज्ञान को एक शक्तिशाली तरीके से समझा है यानी इससे आपकी चेतना और शरीर पर क्या असर हो सकता है यह आपकी ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकता है इसके कई कई पहलू हैं। और फिर हम कहते हैं शिव, शिव, जरूरी तैयारी के साथ अगर मैं आपसे ये एक ध्वनि बोलने के लिए कहूँ आपको किसी भी भगवान या किसी भी चीज पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है बस इस एक ध्वनि से आपके होश उड़ जाएंगे मैं आपको ये दिखा सकता हूँ तब मैंने सोचा शिव हो हम इस पर वैज्ञानिक रूप से पहुंचे वो किसी तरह से ये समझ गए इन शिव शब्द में भी केवल शी ही शक्तिशाली हिस्सा है वह उसे काबू में करने के लिए है ताकि लोगों में ज्यादा धमाका ना हो जाए ताकि एक बैलेंस बना रहे व के बजाय उन्होंने टग लगा दिया मैंने सोचा कि ठीक है ये काम कर रहा है तो क्यों क्योंकि आमतौर पर जब वो बहुत बार वो शब्द कहते रहते हैं तो ट नहीं आता वो कहते हैं शिक और मैं भी जब शिव कहता हूं तो वह बहुत छोटा होता है बस सिर्फ शी होता है तो मैंने सोचा ठीक है क्या फर्क पड़ता है फिर तुरंत ही कुछ लोगों को यह बात बुरी लगी सदगुरु आप कह रहे हैं कि शिव और शिट एक ही है सबसे ऊंचा और सबसे नीचा मैंने कहा देखिए ये ऊंच नीच सब आपका बनाया गया है पर जहां तक आपके दिमाग का सवाल है अगर उसमें शब्द अल्फाबेटिकल तरीके से स्टोर्ड हों तो शिव और शिट आस पास होंगे आप शिव को यहां और शिट को वहां नहीं स्टोर कर सकते आपके पास ऐसी क्षमता नहीं है मुझे नहीं पता कि ये आपके दिमाग में कैसे दर्ज है अगर अल्फाबेटिकल तरीका हो तो ये एक दूसरे के ठीक बगल में होंगे तो आप उन्हें अलग नहीं कर सकते तो सवाल यह नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या सही है क्या गलत है सवाल यह है कि क्या यह हर जगह काम करेगा अगर आप हर जगह शिट करते रहेंगे तो क्या यह आपके लिए काम करेगा <laughs> सवाल यह है तो युवा लोगों के बीच ये ठीक है आप हर जगह शिट शिट कहते रहते हैं पर अब अमेरिका में ऐसा हो गया है कि शीर्ष पदों पर बैठे अफसर भी ऐसे ही शब्द बोल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जब वो ऐसे शब्द बोलते हैं तो कई तरह से बातचीत खत्म हो जाती है ठीक है किसी और वजह से नहीं सिर्फ इसलिए कि लोग अगर आप देखें तो कुछ अमेरिकी फिल्में सीरियल और स्टैंड अप कॉमेडियन वो एक शब्द के साथ पूरा वाक्य बना रहे हैं हाँ पूरा वाक्य सिर्फ एक शब्द होता है जिसे कई अलग अलग तरीकों से दोहराया जाता है और वो उसे महान चीज मानते हैं मैं कह रहा हूं एक जटिल भाषा को विकसित करने में इतना समय लगा मानव मन के लिए हजारों साल लग गए भाषा उन सबसे जटिल चीजों में से एक है जो इंसानी सभ्यता ने इस दुनिया में विकसित की है लैंग्वेज भाषा कोई छोटी चीज नहीं है वैसे भारत में हमारे पास तेरह सौ भाषाएं हैं कितनी प्रतिभा रही होगी कि यहाँ आप मराठी बोल रहे हैं कोई तेलुगु बोल रहा है कोई कन्नड़ बोल रहा है कोई कोंकणी बोल रहा है और हजारों सालों तक यूं तो आप आसपास रहते थे पर आपने अपने साहित्य को बनाए रखा उन्होंने अपने साहित्य को बनाए रखा इस तरह उन्होंने मैनेज किया भाषा को विकसित करने के लिए एक तरह की प्रतिभा जरूरी है अब एक भाषा जिसमें सैकड़ों और हजारों शब्द थे आप उसे एक शब्द में बदल देना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं मुझे दुख है